इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ओवैसी का वो स्पीच सुना देता हूँ। थोड़ी ज्यादा लंबी है, अगर किसी ने देख लियो तो स्किप कर देगा और नहीं देखियो तो पूरा देख लेना। ये मॉब लिंचिंग, हुजूमी तशद्दुद, ये नारे नारे लगाकर मारने वाले क्यों मार रहे हैं? हम अल्लाह के नाम लेने वाले हैं इसलिए मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। क्यों मार रहे हैं? कि हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। और अगर इस वजह से मारा जा रहा है, अगर इस वजह से मारा जा रहा है तो ये शहादत हकीकी है। क्या है? शहादत हकीकी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तू मुझे तेरी राह में शहीद होने का मौका दे दे। क्या आपकी नहीं है नौजवानों? अल्लाह के राह में शहीद होने की है या नहीं है? या नहीं? जोरदार आवाज में लगाओ, अल्लाह की राह में शहीद होने तैयार हो। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। अब देखते हैं मारने वालों में हिम्मत है या हम शहीद होने वालों में हिम्मत है। मार लो जितना मारते, मुस्कुराते मुस्कुराते हम मरेंगे और मरते मरते हम सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेंगे। कहेंगे ना नौजवान? चाहे कुछ हो जाए, शहादत नोश फरमा लो, मगर उनके जुल्म के आगे झुको नहीं। वो नारा कुछ भी लगाओ, बोलो, तुम्हारी जबान से सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही निकलता रहे। अगर ये शहादत का जज्बा अगर सीनों में आ जाएगा तो खुदा की कसम, ये कोई गांव रक्षक, ये कोई बजरंग दली, ये कोई भी आरएसएस वाले, कोई भी हमारा बाल भी बिंगा नहीं करता। और याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत? क्यों है? सौ सुनार की तो एक लोहार की, 15 मिनट ऐसा जर्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। अरे ये हिम्मत है, अरे खुदा रा, जब तुम्हारा लीडर ऐसा है तो तुमको भी ऐसे बनना होगा। बनोगे ना? मैं अकेला कुछ नहीं तुम्हारे बगैर, मेरी हैसियत कुछ नहीं तुम्हारे इत्तेहाद के बगैर, मेरी ताकत कुछ नहीं तुम्हारे दुआओं के बगैर। आओ मेरे प्यारे मुसलमानों, हम और तुम मिल जाए और इस दुनिया को बता दे कि दुनिया में कोई नहीं जो हमको झुका सके, हमको मिटा सके, हमारी शरीयत को खत्म कर सके। इस वीडियो में कुछ देर के लिए तो मुझे लगा मेजॉरिटी ऑफ जो पोर्शन उसका है उसको सुन के देख के ऐसा फील हो रहा था कि ये हमारे देश का हिस्सा नहीं है, ये ओवैसी हमारे देश का नागरिक नहीं है, ये पाकिस्तान में या किसी इस्लामिक कंट्री में खड़े होकर लोगों को जिहाद पढ़ा रहा है, लोगों को आतंकवादी बनने की प्रेरणा दे रहा है, लोगों को काफिरों से लड़ाने की तैयारी करा रहा है।
क्योंकि जैसा ये वर्ड यूज़ कर रहा है, जो ये टोन है इसकी, जो एग्रेसिव टोन है इसकी, मैंने तो नहीं सुना किसी ने ऐसा करते हुए किसी नॉन मुस्लिम ने। और अगर उसने गलती से ये चीज़ कर दी होती किसी नॉन मुस्लिम ने, स्पेशली हिंदू को ले लो, तो अभी तक तो जेल के अंदर होता। क्योंकि अगर किसी लड़की को लोग नहीं छोड़ सकते, ऋचा भारती की बात कर रहा हूँ आपको, जो लड़की 3 घंटे के अंदर अरेस्ट होगी बहुत छोटी सी बात के लिए, और ये वहाँ से अभी भी खुले घूम रहे हैं, एक FIR तक नहीं हुई है। अभी ओवैसी के लेटेस्ट स्पीच पे कुछ बवाल मचा हुआ है हर जगह, लेकिन बवाल इतना भी नहीं मचा है कि ओवैसी को अरेस्ट कर लिया गया हो। लेकिन ओवैसी भी बहुत आराम से ये बयान पहले भी दे चुके हैं, पता नहीं कितनी कार्यवाही हुई थी, ठोस हुई थी कि नहीं। अगर हुई होती, इतनी अच्छी हुई होती कि अगली बार कोई ऐसा स्टेप ना ले, तो शायद ये दोबारा रिपीट ना हुआ होता। और ये सबक, ये एक चैलेंज हमारी इन्फोर्समेंट बॉडीज़ के लिए भी है, हमारे जुडिशल सिस्टम के लिए भी है, कि ऐसे लोग जब ऐसे चीज़ें एक बार बोलते हैं, ऐसे स्टेप्स लेते हैं, और डेमोक्रेसी में रहने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये फ़ायदा उठाते हैं, इसको फ़ायदा उठाने, इसको नाजायज़ फ़ायदा उठाना कहते हैं, तो ऐसे ऐसी चीज़ें करते हैं और आपके मुँह पे थप्पड़ जैसा होता है। लेकिन आप अपना सेकुलरिज्म वहाँ दिखाते हैं जहाँ आप ना भी दिखाते, तो उसको वही माना जाता, नेचुरल न्यूट्रल माना जाता, आप पे कोई डबल स्टैंडर्ड दिखाने का आरोप नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ ऋचा भारती के केस में, जब उस लड़की को 3 घंटे के अंदर, मात्र 3 घंटे के अंदर, पोस्ट डालने के 3 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया गया, 2 दिन जेल में रही, बेल मिली तो कंडीशनल की कुरान बांटो, वो बहुत अच्छा किया उसने मना कर दिया, बहुत अच्छा हुआ लोगों ने उसका साथ दिया, वरना कोर्ट कल को ये भी कह सकती है कि आप कन्वर्ट हो जाओ, कुछ वो नहीं, ये लड़की के मुंह से निकला है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं ओवैसी ही बोलूँगा पूरी वीडियो के दौरान, क्योंकि कोई असदुद्दीन ओवैसी ना समझ ले, अकबरुद्दीन की बात हो रही है, तो ओवैसी के खिलाफ कब FIR रजिस्टर होगी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, इनको कब और कितनी जल्दी अरेस्ट किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाए तो उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं बोल दिया था जितनी जल्दी उसके ऊपर कार्यवाहियाँ शुरू होगी, जस्ट बिकॉज वो हिंदू थी, वो लड़की थी, उसके ऊपर सेकुलरिज्म प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको आप दबा सकते थे, आपने वही किया। अब जस्ट बिकॉज आपको अपना डबल स्टैंडर्ड दिखाना है, तो आप सुओ मोटो भी नहीं लोगे, वरना अब तक ले चुके होते, और अगर नहीं लिया कोर्ट ने तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ले। मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कुछ बातें लोग ओवैसी की स्पीच सुन के ही समझ गए होंगे कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन मैं कुछ सवाल सबसे पूछना चाहता हूँ, राइट विंग, लेफ्ट विंग, जितने भी लोग हैं। पहली चीज़, ओवैसी 15 मिनट में ऐसा क्या करना चाहता है? दूसरी चीज़, वो डरा क्यों रहा है, किसको रहा है? तीसरी चीज़, अगर एक ग्रुप ये है कि मुसलमान डरे हुए हैं, यहाँ डरे हुए लोग रहते हैं, ये शांति प्रिय धर्म के लोग हैं, तो ओवैसी ने कुछ चीज़ें तो साबित की, ना ये शांति प्रिय धर्म है क्योंकि ऐसे लोग ऐसी बातें नहीं करते, फिर ना ये डरे हुए हैं क्योंकि डरे हुए लोग तो डराते नहीं, ठीक है। तीसरी चीज़, इनके खिलाफ़ अब तक कार्यवाही नहीं हुई तो और कितनी देर लगेगी, क्योंकि एक बार हुई थी तो थप्पड़ मार दिया कानून को और दोबारा वही चीज़ रिपीट कर दी, क्योंकि अगर ठोस हुई होती तो शायद ही खौफ रहता कि भाई हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएंगे और लोगों को भड़काएंगे नहीं, तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। चौथी चीज़ ये कि अगर यही स्टेटमेंट किसी हिंदू ने दिया होता, हिंदू लीडर, हिंदू आम, क्योंकि हिंदू एक बच्ची ने देख के देख लिया, 3 घंटे के अरेस्ट होगी, 2 दिन जेल में रहना पड़ा और कंडीशनल बेल मिली कि आप कुरान बांटिए, लेकिन ऐसे ही मंच पे खड़े होके किसी को भड़काया होता, एक लार्ज ग्रुप को डिवाइड करने की, नफरत फैलाने की कोशिश, बिल्कुल ओवैसी की कॉपी की होती किसी हिंदू ने, हम 100 करोड़ हैं, सामने वाला 25 करोड़ है, उनको हम चाहें तो 1 मिनट में मिटा सकते हैं, अगर ऐसा कहा होता तो क्या रिएक्शन होता? इमेजिन करने की बात कर रहा हूँ सिर्फ, कि वो लोग इमेजिन करें कि क्या रिएक्शन होता, हर तरफ से आग मच जाती, वो आदमी अरेस्ट क्या क्या नहीं हो गया होता, ठीक है। तो उस मैग्नीट्यूड के हिसाब से कि उसके साथ क्या क्या हो सकता था, तो इनके साथ क्या क्या नहीं हुआ अभी तक। इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा, मन में बहुत गुस्सा है कि वो ऐसी बार बार ऐसी चीज़ें बोल देता है, लोग जिनको सही समय पे खड़े होना चाहिए वो नहीं होते हैं, जिनको अपना एजेंडा साबित करने के लिए सबाना आजमी बीच में लाइमलाइट में नहीं थी, वापस आने के लिए कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, वापस आ गई। आज़म खान को लगा कि हमारे पूर्वजों ने पाकिस्तान ना जाके गलती की, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि पहली फुर्सत में निकल, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि वीडियो एंड हो रही, बस ज़्यादा लंबी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप देख रहे हो तो सहमत हो अगर, तो कमेंट करके बताओ, शेयर करो, जो समझ में आए। ओवैसी को जेल में जाना चाहिए, ये मेरी डिमांड है, ये सबकी डिमांड है
कि ओवैसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जेल में जाना चाहिए इन धाराओं के अंतर्गत। नहीं समझ में आ रहा तो धारा रीड कर लो वीडियो पॉज करके। बस इस वीडियो के एंड में बस मैं ओवैसी को ये जवाब देना चाहता हूँ कि मैंने पहले कहा था कि ये कुछ सवाल होंगे जनता से और हमारे जुडिशल सिस्टम, एनफोर्समेंट बॉडीज से, सरकार से, कि क्या हो रहा है इस चीज़ में। और एंड करते हो बस मैं अपना एक जवाब देना चाहता हूँ ओवैसी को, सिर्फ ओवैसी को, अकबरुद्दीन ओवैसी को। मैं ये मुसलमानों की तरफ या इस्लाम के ख़िलाफ़ ऐसा कुछ नहीं, पर्सनल ओवैसी को सीधा, उसने स्टेटमेंट दिया तो उसकी तरफ कह रहा हूँ। पूरे मुसलमानों ने खड़े होकर ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ने कहा है तो उसकी बात करना चाहता हूँ कि जो तुम 15 मिनट में करना चाहते हो, औकात है कुछ तो करके दिखाओ, और अगर नहीं है तो ये सब करना बंद कर दो, क्योंकि 2 बार कर चुके हो तो मैं लगता है कि कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। अब ये टेस्ट की बात है कि देखते हैं जुडिशल सिस्टम क्या करता है हमारा, इन्फोर्समेंट बॉडीज़ क्या करती है हमारी, और फिर पता चल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।